बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन। वेलकम टू क्लास 3। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 3। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस ऑफ यूनिट नंबर 1। द नेम ऑफ द यूनिट इज अमीन एंड द एग्स। एंड इन द वेरी फर्स्ट वन लेक्चर वी हैव डन द रीडिंग एंड ऑल्सो द डिक्टेशन वर्ड्स ऑफ दिस यूनिट। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड्स द exercise of this unit. Now come towards the page number 13. Question number 1. Amin lost his crops because somebody stole them. There was too much rain, there was too little rain. As you have read the text, there was too little rain, यानी कि बहुत कम बारिश हुई थी, ठीक है। Amin left the village because he did not like his work. He wanted to look for a job. He did not like the place anymore. Option number B is the correct option. He wanted to look for a job. Next one, question number 5. Did Amin plant boiled beans in his garden? क्या अमीन ने अपने बाग में जो है वो उबले हुए दाने जो हैं वो उगाए थे, दालें उगाई थी? No. You put a tick on the no option. Now come towards the page number 15. Question number 2. Complete the sentences with the name of animal from the list below. Bullock, camel, donkey, elephant, horse. ये animals किस लिए use किए जाते हैं, इनके बारे में information दी गई है। आपने ये words जो हैं उनको put करना है इन fill in the blanks में। The dash is used in a sport at the Olympic Games. Olympic Games में किसको use किया जाता है? Horse को। Then you write down horse. H-O-R-S-E, horse. Number 2. The dash works in forest to carry heavy loads. जंगल में जो है वो भारी सामान उठाने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? एलिफेंट को। यू राइट डाउन एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। नेक्स्ट वन है सी। द डैश इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। यू राइट डाउन कैमल। सहरा का जो है, सहरा में क्या यूज़ किया जाता है? कैमल, सी ए एम ई एल, कैमल। नेक्स्ट वन, फार्मर यूज द बुल लॉक इन द फील्ड। यू राइट डाउन बुल लॉक। नेक्स्ट वन, वॉशरमैन यूज़ द डोंकी टू कैरी बंडल्स ऑफ वॉशिंग। नंबर 1 में आप लिखेंगे हॉर्स, नंबर 2 में एलिफेंट, नंबर 3 में कैमल, नंबर 4 में बुलॉक, नंबर 5 में डोंकी। यू डू योर वर्क प्रॉपरली ऑन योर बुक। नाउ कम टू वर्ड्स पेज नंबर 17। वर्ड्स विद आई ई एंड ई आई, इज इट आई ई ई आई? द फॉलोइंग रूल विल हेल्प यू। बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, बट ओनली वेन द साउंड इज दैट ऑफ अ लॉन्ग डबल ई आर आई एज इन फीट। जस्ट लाइक थीव, बिलीव, लॉन्ग ई साउंड, रिसीव सीलिंग आफ्टर सी। यानी जैसे देखें यहाँ पे पुट किया गया। नेक्स्ट वन है फॉरन, इसमें भी देखें नो लॉन्ग ई साउंड, यानी कि ई के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा। नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18। फिर इन द ब्लैंक्स विद ई आई आर आई ई, यू राइट डाउन दिस पर्सन लिव्स नेक्स्ट डोर। यू राइट डाउन, ये क्या होगा जो आपके साथ वाले घर में रहता है वो क्या है? नेबर। यू राइट डाउन एन ई आई जी एच बी ओ यू आर, क्या बना? नेबर। यू राइट डाउन ई आई, नेबर। ही फाइट्स फॉर अवर कंट्री, सोल्जर, एस ओ एल डी आई ई आर। यू राइट डाउन आई ई। नेक्स्ट वन, वन ऑफ योर स्कूल सब्जेक्ट्स इज द साइंस, एस सी आई ई एन सी ई, साइंस। आई एम 1.5 मीटर टॉल, माई डैश इज 1.5 मीटर। हाइट क्या होगी? एच ई आई जी एच टी, हाइट। नेक्स्ट वन है ही इज द लीडर ऑफ अ ग्रुप इज द चीफ, सी एच आई ई एफ, चीफ। नंबर 1 में है नेबर, सोल्जर, हाइट, चीफ। इनमें आपने आई ई को पुट करना है या ई आई को पुट करना है। नंबर 1 में आप ई आई पुट करेंगे, नंबर 2 में आई ई, नंबर 3 में आई ई, नंबर 4 में ई आई, नंबर 5 में आप करेंगे आई ई, ठीक है। यू डू योर वर्क प्रॉपरली ऑन योर बुक। नाउ कम टूवर्ड्स द पेज नंबर 19। योर टीचर रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू डू यू, शी विल से वन ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक्स, इन ईच केस लिसन एंड टेक द वर्ड शी सेज, शी विल रिपीट ईच सेंटेंस, दे कुड नॉट रिपेयर द डेंट टेंट। यू पुट अ टिक ऑन द टेंट। फरा ड्रू अ शीप शिप इन हर बुक, यू पुट अ टिक ऑन द शिप। देर इज अ ब्लैक गोट कोट अंडर द ट्री, यू पुट अ टिक ऑन द गोट। कैन यू गिव मी द पिल बिल प्लीज, यू पुट अ टिक ऑन द बिल। कैन यू फील फिल द जग अंडर द टेबल, यू पुट अ टिक ऑन द फिल। I will try dry the shirt, you put a tick on the dry.
टेक द क्लास ग्लास विद यू व्हेन यू गो आउट. यू पुट अ टिक ऑन द ग्लास. देयर आर टू बर्ड्स बर्ड्स ऑन द ब्रांच. यू पुट अ टिक ऑन द बर्ड्स. नंबर वन में ऑप्शन टेंट शिप गोट बिल फिल ड्राई ग्लास बर्ड्स. यू डू योर बुक वर्क ऑन योर बुक्स नीट एंड क्लीन. मैंशन द डेट एंड डे. होप यू अंडरस्टैंड द लेसन. टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. आई से अलाउ.